एशियन एथलेटिक्स रो सफल आयोजन परे विश्व दरबार रे परिचित होईछि कलिंग स्टेडियम आ एहा परे कलिंग को आसीबारे लागिछि एकाधिक जातीय व अंतरजातीय प्रतियोगिता एथलेटिक्स हॉकी परे आसंता फेब्रुवारी रे कलिंग स्टेडियम रे हेबो अंतरजातीय टेनिस टूर्नामेंट आईटीएफ फ्यूचर्स जेउथरा अंश ग्रहण करिवे 20 अंतरजातीय प्रतियोगिंक समेत प्राय 60 जन खेलाडी एथिपई क्रीडा विभाग पक्षरो आरंभ होई जाईछि प्रस्तुति आथलेटिक्स हॉकी फुटबॉल परे एबे कलिंग स्टेडियम रे हेबो अंतरजातीय टेनिस टूर्नामेंट फेब्रुवारी 23 रु मार्च 3 जाय खेला जिवो आईटीएफ फ्यूचर्स जेउथिर अंश ग्रहण करिवे 20 अंतरजातीय प्रतियोगिंक समेत प्राय 60 जण खेलाडी पुरुष एकक मुख्य ड्र रे 32 खेलाडी रहिबे एवं दुई जण विश्व मान्यता प्राप्त खेलाडींकु वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलिबो अंतर्जातीय टेनिस फेडरेशन पक्षरु प्रथम थर पई ओडिसा रे एभळी एक मेगा इवेंट आयोजन करा जिवो एथिपाई ओडिशा टेनिस संघ भित्तिभूमि परखिथिया बेले क्रीड़ा विभाग पक्षर आरंभ होईछि प्रस्तुति जेहेतु एठी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन रो फ्यूचर्स टूर्नामेंट हम फेब्रुवारी 23 रु मार्च 3 पर्यंत तेणु कौटी फैसिलिटी गुड़ाक लोकेट कर बहुत गुड़ाक टेम्पोरारी फैसिलिटी हम किसी परमानेंट फैसिलिटी हम एवं से गुड़ाक आम एटी साइट विजिट कलु कलिंग स्टेडियम 11टी टेनिस कोर्ट थिबा बेले सेथिमध्यरु 4टी क्ले कोर्ट रहिछि तेबे अंतर्जातीय प्रतियोगिता पई अन्यान्य भित्तिभूमिर रहिछि आवश्यकता हातरे कम समय थिबारु आवश्यकीय प्लेयर्स लाउंज अंपायर्स रूम आईटीएफ सुपरभाइजर रूम अस्थायी भावे निर्माण करा जिवो प्रतिटी प्रतियोगिताकु सफलतार सह आयोजन संघकु एकाधिक जातीय तथा अंतर्जातीय मैच आणिबाकु लक्ष्य रहितिबा कहिछन्ति क्रीडा सचिव आमे बहुत एटाक ऑप्टिमिस्टिकली देखुचे बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होउछि गोटे परे गोटे आमे नेशनल इंटरनेशनल लेवल मेगा इवेंट पाउछु ग्राजुअली आमे चाहूछु बड़ बड़ टूर्नामेंट सब एठी आसु जो आमर उद्देश्य अच्छे भुवनेश्वर को आमे गोटे इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन हिसाब से गढ़ीबू तो सही दिगरे आमे वर्तमान कार्य करछु फ्यूचर्स टूर्नामेंट पाई पुरस्कार राशि रहिछि 15,000 अमेरिकिया डॉलर जहाँकि ओडिशा टेनिस इतिहास रे एक नुआ अध्याय सृष्टि करिवो भुवनेश्वर रु कैमरामैन बटकृष्णों सह शुभलक्ष्मी बड़ न्यूज 18 ओडिया।